नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम शोड में सीखेंगे ITRU में रिटर्न कैसे भरें। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न भरेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ITR4 भरना है हमें। तो पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बना के रखना है। बैलेंस शीट में क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ठीक है। फिर बैलेंस शीट क्या आएगा और आखिर में कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इस तरह से पहले आपको ITR4 भरने से पहले बैलेंस शीट बना के रखना है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे टैक्स क्लाउड में। हम रिटर्न कहाँ से भरने वाले हैं, टैक्स क्लाउड इंडिया से। अगर इसके ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट करके रिटर्न भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वहाँ पे 2 फ्री रिटर्न्स अलाउड हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे परचेस करना होता है। और एक बार आपने परचेस किया तो 1 साल तक आप अनलिमिटेड रिटर्न भर सकते हैं। इस वेबसाइट का बेनिफिट ये है कि आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी लॉगिन करके, ठीक है। इसका एक बेनिफिट है इसका। तो आपको क्या करना है, टैक्स क्लाउड यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे ऐड क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है। हमें किसका रिटर्न भरना है, इंडिविजुअल का, इसलिए हमने यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है। अगर आपको बाकी किसी का रिटर्न भरना है तो इसका सेलेक्ट करना है। हम फिलहाल के लिए इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और ऐड क्लाइंट करेंगे। यहाँ पर ऐड क्लाइंट्स करने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा फाइनेंशियल ईयर किस असेसमेंट ईयर का आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। तो हम 2021 का रिटर्न भरने वाले हैं, मतलब असेसमेंट ईयर क्या आएगा, 21-22। तो हमने यहाँ पे 21-22 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया। हमने यहाँ पे हम वर्क ऑन क्लाइंट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। जिसका भी आपको रिटर्न भरना है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडल नेम, उसका लास्ट नेम, जो पैन कार्ड पे है वही डालना है यहाँ पे, ठीक है। फिर जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ पे पैन नंबर डालिए, फादर नेम डालिए, जैसे पैन कार्ड पे है वैसे ही डालना है। और फिर आखिर में सेव करना है आपको, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर एड्रेस में आना है और यहाँ पर एड्रेस डालना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि YouTube की गाइडलाइन है कि वहाँ पे नाम एड्रेस दिखा नहीं सकते हम, इसलिए मैं यहाँ पे नेम और एड्रेस डाल के नहीं दिखाऊंगा आपको। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन पहले भरनी है, पर्सनल इन्फो और एड्रेस। ये दोनों इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको आना है इनकम सोर्स में, ठीक है। इनकम सोर्स में आने के बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आपको जो इनकम दिखानी है कौन सी दिखानी है। आपको तो पता है कि इनकम टैक्स में 5 प्रकार की इनकम रहती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो हमें जो रिटर्न भरना है अभी कौन सा भरना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का भरना है, इसलिए हम यहाँ पे आएंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर ऐड इनकम फॉर्म बिजनेस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हमें कौन सा भरना है, ITR4। ITR4 मतलब क्या रहता है, 44AD, उसको क्या बोलते हैं, 44AD, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रेजुम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए भर रहे हैं तो 44AD आएगा, प्रोफेशनल के लिए भर रहे हैं तो 44ADA आएगा, अगर गुड्स वाला है, कैरियर वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, तो 44AE आता है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस वाले के लिए भरना है ITR4, तो हम यहाँ पे आएंगे ऐड इनकम अंडर 44AD, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ जाने के बाद देखिए बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो नेचर है बिजनेस का वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, क्या है भाई, हमारा हेयर सलून है हमारा, तो हम यहाँ पे हेयर सलून सर्च करेंगे, ठीक है। हेयर सलून दिखता है, देखिए यहाँ पे हेयर ड्रेसिंग एंड अदर ब्यूटी ट्रीटमेंट, कितना कोड है इसका, 21001, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड नेम पूछ रहा है, आपके बिजनेस का नाम यहाँ पे डालना है और डिस्क्रिप्शन में पता डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई शास्त्री हेयर सलून, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर नाम डाल दिया हमने, एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर, हमारा बिजनेस कहाँ पे, कौन से गली में, जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर आना है नीचे 44AD डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ रहा है कि भाई आपका टर्नओवर या रिसिप्ट कितना है और उसका इनकम कितना है, ठीक है। नॉन डिजिटल वाला कितना है
और डिजिटल वाला कितना है, मतलब अगर आपने कैश में बिजनेस किया है तो वो टर्नओवर कितना है वो यहाँ पे डालना है, और आपने जो भी इनकम ऑनलाइन ली है बैंक के ज़रिए ली है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखाया है बैलेंस शीट में कि भाई हमने पिछले साल जो हमने कमाया था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो 790,100 रुपये हमने कमाया था, तो हम यहाँ पर वही अमाउंट डालेंगे 790,100। ये हमारा नॉन डिजिटल वाला है, हमने पूरा कैश में लिया था, डिजिटल वाला हमारा कुछ भी नहीं इसलिए हमने जीरो डाल दिया। अब देखिए इसमें इनकम कितनी, ये तो हमारी सेल हो गई, ठीक है, टर्नओवर हो गया, रिसिप्ट हो गया, उसमें से हमारी इनकम कितनी है, हम बैलेंस शीट में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है यहाँ पे 290, ठीक है, 510 रुपये। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, यही अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 290,510 रुपये, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे जीरो लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेव करेंगे इसको, सेव करने के बाद देखिए नो वैलिडेशन फेलर बोल रहा है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसमें अंदर कुछ भी रह नहीं गया है। फिर हम आएंगे यहाँ पे टैक्स फाइलिंग में, टैक्स फाइलिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बैंक इन्फो का, हम आएंगे यहाँ पे बैंक इन्फो में, यहाँ पे आधार की डिटेल डाल देंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, और नीचे उसके बैंक की डिटेल डालेंगे। आपको तो पता है जब आप रिटर्न भरते हैं तो आधार के नंबर भी डालते हैं और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी डालते हैं, तो ये दोनों डिटेल्स आपको क्या करना है यहाँ पे डालना है और फिर सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको आना है यहाँ पे टैक्स पेड में, अगर आपने कुछ टैक्स पे किया है तो, अगर आपका कुछ डिडक्शन है तो डिडक्शन में आना है आपको, ठीक है अगर आपका कुछ डिडक्शन है तो, ठीक है, जो डिडक्शन है वो ATC में डाल दीजिए यहाँ पे। ओके, मानो मेरे 50,000 की डिडक्शन है तो हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिया, और फिर हमने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। ओके, सेव कर देने के बाद फिर आएंगे हम टैक्स फाइलिंग में, यहाँ पे टैक्स फाइलिंग में आने के बाद देखिए फ़िलहाल के लिए बता रहा है कि भाई आपका जो टैक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1,000 रुपीज़ बन रहा है, ठीक है। तो ये टैक्स तो हमें पे करना पड़ेगा, 1,000 रुपये जो हमारा बनता है, तो ये कैसे पे करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ITRU की जो पेमेंट है टैक्स की वो कैसे पे करते हैं। अभी जो हमने पेमेंट किया था उसका चलान का डिटेल्स तो डालना पड़ेगा, तो हम आएंगे यहाँ पे टैक्स पेड के अंदर। टैक्स पेड के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट जो है ना, ये सेल्फ टैक्स पेमेंट्स, यहाँ पे आना है, ऐड एंट्री करना है, ओके, और अमाउंट पेड करेंगे यहाँ पे, जो भी डाला है कितना डाला है, हमारी जो लायबिलिटी थी वो 1,000 थी, हमने 1,000 पे किया है तो हमने यहाँ पे 1,000 डाला है। डेट ऑफ पेमेंट, भाई आपने किस डेट को पेमेंट किया था वो भी डाल देना है, तो हम ठीक है हमने आज पेमेंट किया था तो हम यहाँ पे आज की डेट डाल देते हैं। यहाँ पे जो BSR कोड है वो यहाँ पे डाल देना है आपको, और चलान नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ओपन करके कि किस तरह से ये दिखाई देता है। ओके, देखिए ये इस तरह से आपको ये BSR कोड दिखाई देगा, उसका नंबर यहाँ पे होगा, ये आपको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, और ये कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर क्या पूछ रहा है, चलान का सीरियल नंबर, ठीक है, फिर वो हम यहाँ पे आएंगे, देखिए चलान नंबर है, ये चलान नंबर, उसका ये नंबर कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे डाल देंगे और ये सेव करेंगे हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेव हो गया ये, हमने टैक्स की भी पेमेंट की। अभी हमें क्या करना है, ITRU की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद टैक्स फाइलिंग में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्पेशल ऑप्शन, यहाँ पे आना है हमें, यहाँ पे आने के बाद इनेबल करना है ITRU, इनेबल करने के बाद ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है, फिल जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो असेसमेंट ईयर है, जिस असेसमेंट ईयर का हम रिटर्न भर रहे हैं, क्या उस साल कोई रिटर्न भरा था आपने, नहीं भरा था हमने रिटर्न इसलिए हमने नो किया, अगर आपने भरा था तो यस करना है आपको, और कौन से मतलब ओरिजिनल रिटर्न भरा था या कौन सा भरा था वो यहाँ पे बताना है, हमने नहीं भरा था इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे। फिर अगर भरा था आपने तो कौन सा ITR भरा था, ITR 1, 2, 3, 4 वो बताना है आपको,
उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसका डेट बताना है यहाँ पे। तो हमने रिटर्न नहीं भरा था इसलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, वो बोल रहा है कि भाई आपका जो असेसमेंट, जिस असेसमेंटर का रिटर्न भर रहे हैं वो ख़त्म अगर हो गया है तो वो उस दिन से आज तक कितना महीना मंथ हो गया है, 12 मंथ हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, तो हमारा जो है अप टू 12 मंथ्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 मंथ्स ही रहने देते हैं, अगर ज़्यादा है तो 12 टू 24 मंथ्स आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फील्ड। भाई ये रीज़न क्या है आपका रिटर्न भरने का ITRU? तो इसमें से क्या है कि भाई हमने पिछले बार नहीं भरा था इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न भर रहे हैं, ये हमने सेलेक्ट किया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे इसको। तो इस तरह से देखिए सेव हो गया है। अब देखिए टैक्स फाइलिंग में आएंगे हम यहाँ पे। टैक्स फाइलिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पे इसकी जो लायबिलिटी बन रही थी 1000 रुपये, और 1000 हमने जमा कर दिया तो हमारी लायबिलिटी अभी ज़ीरो है, ठीक है। कॉम्पिटिशन आपको अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ये डाउनलोड करके आपको एक क्लाइंट का फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर में रखना है आपको, ठीक है। यह हमने कंपटीशन ओपन कर दिया, तो कंपटीशन में सारी इन्फॉर्मेशन समरी टाइप में रहता है कि क्लाइंट का असेसी का नाम, उसका एड्रेस, उसका पता, पैन नंबर, किस डेट को रिटर्न भरा था, कौन सी इनकम दिखाई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर रहती है, कंपटीशन के अंदर। इसलिए बैंक वाले कंपटीशन मांगते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या है, ये कंपटीशन है। मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम वो नहीं डाला है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। डाला होता तो यहाँ पे उसका नाम, पैन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें आ जाता था, ठीक है। तो देखिए हमने जो इनकम शो की थी वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप कंपटीशन डाल के, डाउनलोड करके, एक बार क्रॉस चेक करके ये रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। आपको एक बार लग गया कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो सब सही है, तो आखिर में क्या करना है आपको, ये डाउनलोड ITR JSON करना है, इसको डाउनलोड करना है और इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। कैसे सबमिट करना है वो भी हम देखेंगे। आपको आना है यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे क्या करना है आपको, ये रिटर्न सबमिट कर देना है। तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और वहाँ पे फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। फिर 139 ATA अपडेट रिटर्न सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऑडिट है नो करना है और वहाँ पे ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। हमने ITR 4 सेलेक्ट किया है। फिर कन्फर्म करना है, यहाँ से जो हमने JSON फाइल डाउनलोड की थी हमने रखा है डाउनलोड फोल्डर में, वहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, चेक करेगा वेबसाइट की कुछ एरर है या नहीं है। नहीं है एरर तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, उसको हम वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएंगे। आधार OTP जाएगा वेरीफाई करने के लिए, वो इंस्टेंट करना होता है, ठीक है। तो हमने आधार OTP सेलेक्ट किया है, आई एग्री करेंगे और जनरेट करेंगे OTP। OTP जनरेट हो जाने के बाद 10 मिनट का टाइम रहता है आपके पास OTP डालने के लिए। एक बार आपने जैसे ही OTP डाल दिया, वैलिडेट कर दिया, सबमिट करने के लिए एक बार फिर से एक बार पूछेगा आपसे, अगर आपने ओके कर दिया, कन्फर्म कर दिया तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप किसी भी तरह का आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।